नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य। आज हमने इसको योग व आयुर्वेद के रूप में रखा है और इसका शीर्षक है सवाल आपके जवाब हमारे। तो आयुर्वेद के विषय में बहुत सारे लोगों को अपने आहार दिनचर्या आदि स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। वे प्राय जन सामान्य में सॉल्व होने का अवसर नहीं मिल पाता, इसीलिए एक अच्छे वैद्य के और एक अच्छे आहार चिकित्सक के, आयुर्वेद चिकित्सक के, आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में रह करके या उनसे परामर्श करके, विमर्श करके हम उनको जान सकते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और अच्छे ढंग से हम संभाल सकें, उसके प्रति हमारी एक समझ बन सके। क्योंकि योग में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। योग और आयुर्वेद दोनों के दोनों वेद के उपवेदों में से आए हैं, क्योंकि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और योग है दार्शनिक ग्रंथ। अब वर्तमान में योग क्योंकि चिकित्सा के रूप में प्रचलित होने लगा है, हठ योग का ये जो भाग है, और फिर महर्षि पतंजलि जी का जो योग दर्शन है वह भी चिकित्सा के रूप में होने लगा है, जो कि मानसिक रोगों की चिकित्सा के रूप में बढ़ने लगा। अब बहुत सारी समस्याएं आने लगी लोगों को कि कैसे आहार पर नियंत्रण किया जाए, क्या ऋतु है, ऐसे बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास सवाल आए। तो उन सवालों के आधार पर कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं अजमेर के ही कार्य क्षेत्र में आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य, राजस्थान सरकार की सेवाओं में सेवारत हमारे वरिष्ठ वैद्य डॉक्टर धीरज जी उपाध्याय, और इनसे आज आयुर्वेद की जानकारी हमें बहुत सारी मिलेगी। बहुत सारे दर्शकों के यहाँ प्रश्न भी हम उठाएंगे। आप लोग भी लाइव जो प्रश्न उत्तरी करना चाहते हैं वो प्रश्न करें, हम आपका प्रयास करेंगे यहाँ से समाधान करने का। तो आज के इस कार्यक्रम को हम प्रार्थना के साथ शुरू कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास हम भरेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आइए आज के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं भी लाइव देख रहा हूँ आपके सभी के दर्शकों का जो यहाँ पर लाइव में बने हुए हमारे दर्शक। तो मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शकों को संशय भ्रम हो वे लोग प्रश्न आदि कर सकते हैं, उनका भी हम यहाँ पर समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वैसे इसमें आज हम जो कुछ प्रश्नों पर बात चर्चा करेंगे तो वो कौन कौन से प्रश्न है, उनमें पहला है, कई सारे लोगों ने आंवला के बारे में जानकारी चाहिए कि आंवला का प्रयोग हम कैसे और कब करें। तो मैं जानना चाहता हूं कि आंवला के बारे में आप बताएं। देखिए, आंवला भारतीय परंपरा में आहार के रूप में सभी लोग बहुत लंबे समय से प्रयोग करते आए हैं, और आंवला के लिए जो आयुर्वेद में कहा गया है कि उसको वय स्थापक माना गया है, यानी कि एंटी एजिंग, यानी कि आयु को रोकने वाला, जिससे कि शरीर के अंदर जो जरा अवस्था यानी कि जो बुढ़ापा आता है उसको रोकने के लिए इसका बहुत अच्छा सा यूजेस बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। और दूसरा, इसका जो यूज़ है वो देखा जाए तो शोधन के दृष्टिकोण से भी है, यानी कि शरीर की शुद्धि करता है। कई बार विबंध होता है, मलत्याग ढंग से नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आंवला का जो प्रयोग होता है वो शोधन के दृष्टिकोण से भी होता है, और साथ में यदि देखा जाए तो पोषण भी बहुत अच्छे से करता है। तो किन स्थितियों में शोधन होना चाहिए और किस स्थिति के अंदर पोषण होना चाहिए, ये निर्भर करता है जो रोगी होता है उसके लिए भी और सामान्य तौर पर भी। तो आंवले को यदि देखा जाए तो कई रूपों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम रहता है सितंबर से लेकर के फरवरी तक, तभी इसका मार्केट के अंदर बहुत आराम से मिलता है, क्योंकि इसी समय इसकी जो फल है आंवले का यह आराम से उपलब्ध हो पाता है। तो
इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये ध्यान में रखने की है कि आंवले को हम किन किन रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके चूर्ण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसका रस यानी कि इसका जिसको कहते हैं हम स्वरस के रूप में प्रयोग करते हैं, और साथ में इसके आंवले के हम खाद्य पदार्थ के तौर पे कैंडी के रूप में, मुरब्बा के रूप में, औषधि के तौर पे और च्यवनप्राश और बहुत अलग अलग रूप में आंवले का प्रयोग हम करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से हमें फ़ायदा हो, किन रोगों में फ़ायदा हो, तो इस बात को सरल तरीके से यदि समझा जाएगा तो एक हम देखते हैं भारतीय परंपरा में जब कोई गरिष्ठ आहार होता है या तो फंक्शन वगैरह में दाल बाटी चूरमे का प्रयोग जब हम करते हैं, खाना खाते हैं, गरिष्ठ आहार लेते हैं, तो दाल बाटी चूरमा के साथ में नींबू का प्रयोग कर किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है कि बड़ा साइंटिफिक चीज़ सी है और लॉजिकली भी है कि जो चिकनाई होती है यानी कि उसमें जो देशी घी वगैरह डलता है तो उसकी चिकनाई का पाचन कौन करता है, तो विटामिन सी, नींबू के अंदर जो विटामिन सी है वो उसका यूज़ करता है, फ़ायदा करता है उसमें। और एक बात देखिए कि कभी यदा कदा कभी होटलों में खाना खाने आप लोग जाते हैं तो जो खाना खाते वक्त जो चिकनाई उंगलियों पर हो जाती है तो लास्ट के अंदर जो नींबू पानी है उससे भी उस चिकनाई को हटाने के लिए काम में लेते हैं। आपने एक बात और देखी होगी कि जब नींबू के अंदर जो विटामिन सी है तो आंवले में जो विटामिन सी है वो नींबू की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि चिकनाई का जो पाचन है, वसा, फैट जो हम कई रूपों में काम में लेते हैं, तो उसके पाचन के लिए आंवले के अंदर जो विटामिन सी है वो बहुत अच्छे से इसको उपयोग ले पाती है। अब अलग अलग रूप में हम यदि इसको यूज़ करें, जैसे डिजीज के अकॉर्डिंग बात करें, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो मुंह से ही बात शुरू करेंगे कि माउथ कैविटी के अंदर कई बार छाले हो जाते हैं, जबान पे बहुत सारे छाले हो जाते हैं और उसकी वजह से खाना निगलने में भी दिक्कत आती है और दर्द भी रहता है। तो छालों के अंदर, मसूड़ों के अंदर कई बार सूजन आती है, कई लोगों को पायरिया हो जाता है जहाँ मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, दांतों की पकड़ कम हो जाती है और मुंह से बदबू आने लगती है, बैड स्मेल आने लग जाती है, तो इस पायरिया की एक तकलीफ़ है। इन दोनों तकलीफ़ों के अंदर आंवले को हम दो तीन तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। जब ताज़ा आंवला है तो हम उसको क्रश कर लें, क्रश करके स्क्वीज़ करके निचोड़ करके उसका रस काम में ले सकते हैं, और जो रस की इसको हम स्वरस कहेंगे आंवले का, तो ये चूंकि आप याद रखें कि ताज़ा आंवला है तभी हम इसका प्रयोग कर पाएंगे क्योंकि रस ताज़ा आंवले में से ही निकलेगा, तो इसकी जो मात्रा है ये लगभग 10 ml से 20 ml तक यूज़ की जा सकती है। और आयु, अवस्था, इन सब बातों को ध्यान में रख करके, रोग की स्थिति को ध्यान में रख करके 5 से 20 ml या 10 से 20 ml की मात्रा प्रयोग में ली जा सकती है। आंवले का ये रस लेने के बाद में ऊपर से यदि किसी को कब्ज रहती है और कब्ज की वजह से ऐसा हो रहा है बार बार, उसको अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है और अच्छे से पेट साफ नहीं होने की वजह से गर्मी बढ़ गई है और छाले हो रहे हैं, तो उनको आंवले के रस के ऊपर थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, तो वो आंवले का रस पेट को भी साफ करने में सहायक होगा और जिस व्यक्ति को कब्ज है उसको इसमें राहत मिलेगी। तो इस तरह से 4 या 5 दिन के प्रयोग करने पे जिसको कहते हैं छाले हो जाना या आयुर्वेद में कहते हैं मुखपाक होना, इसके अंदर बहुत अच्छी सी राहत मिलेगी। कई बार जब पायरिया हो जाता है इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है और इसके अंदर आंवले का बहुत अच्छा रोल होता है और लगभग 15-20 दिन तक लगातार आंवले का प्रयोग स्वरस के रूप में भी किया जा सकता है और चूर्ण पाउडर के रूप में भी किया जा सकता है। आंवले का जो चूर्ण है उसको उसकी जो मात्रा है 3 से 5 ग्राम के रूप में लेनी चाहिए। अच्छा, परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए ये सामान्य तौर पर तो सुबह और शाम 2 टाइम लिया जा सकता है 3 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ में। यदि मसूड़ों में ज़्यादा सूजन है और ज़्यादा तकलीफ है तो प्रॉपर सफाई का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है और जो भी आयुर्वेद का नज़दीक निकटतम आपका चिकित्सक है उसको दिखा करके भाई हम सफाई के लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें। कई बार पेस्ट लोग करते हैं तो पेस्ट उनके लिए उपयोगी है या नहीं है, या मंजन उपयोगी है, तो जिस तरह से उसकी सफाई करने के लिए आवश्यक चीज़ें, और वो निर्भर करता है दांतों की बनावट किस तरह की है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी चीज़ उसको रिकमेंड करें। लेकिन जब बात आती है इसकी कि मसूड़े उसके मजबूत हों, उनकी ग्रिप अच्छी हो, उनकी स्वेलिंग दूर हो जाए, तो आंवले का चूर्ण का प्रयोग 2 ग्राम से लेकर के 3 से 4 ग्राम तक दिन में कम से कम 4 से 5 बार करना उचित रहेगा, क्योंकि बार बार जो यूज़ होगा तो बार बार हमारे दिन के अंदर कुछ खाने का, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद में है, लंच के बाद, डिनर के बाद, तो थोड़े से मसूड़ों में असर आएगा, खाने का जो प्रभाव आता है, तो सफाई के बाद में इसका प्रयोग करना है। और कई बार कई बच्चों को और बड़ों को भी देखने में आता है कि नक्सीर की समस्या आती है, नाक से ना ब्लड आने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन किस कारण से आती है, जहाँ तक
देखा गया है कि बहुत ज़्यादा शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और एक बड़ा कारण होता है, और गर्मियों में ज़्यादा देखा जाता है, तब खून आने लग जाता है नाक से, नक्सीर जिसको अपन आम तौर पे कहते हैं। तो आंवले का रस भी है ना, क्या है कि खाने के लिए दिया जाता है और 2 या 3 बूंद नाक के अंदर डाला जाता है, तो इसमें है ना ठंडक होने की वजह से उसमें तुरंत एंटीकोगुलेशन का काम करता है और ब्लड आना बंद होता है। लेकिन यदि बार बार ये प्रवृत्ति होती है तो आंवले का एक लंबे समय तक प्रयोग कराते हैं, जिसमें कई बार है ना आंवले का मुरब्बा प्रातःकाल बच्चों को दिया जाए, या जिसको तकलीफ है, बड़ों को भी यदि तकलीफ है तो उनको दिया जाए, तो जो पित्त प्रकृति हो जाती है जिसमें शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है और शरीर को है ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इस तरह के जो पित्त प्रकृति के जो लक्षण होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है तो उसको शांत भी किया जाता है आंवले के मुरब्बा को दे करके, प्रयोग करा करके। तो नक्सीर के अंदर बहुत अच्छा सा इसका प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि बालों के लिए, सुना है कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और आंवला का तेल तो बहुत सारे विज्ञापन में आता भी है, तो बालों के लिए नो डाउट आंवले का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवले का जो बालों के लिए यदि बात करते हैं तो जहाँ पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी आ जाती है बालों, जिन लोगों को, तो उनके बालों में ये तकलीफ आने लग जाती है, तो ऐसे जनों को अमल की रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि सुबह और शाम भी किया जा सकता है। अमल की रसायन जो है वो आंवले से ही बनती है दवा, और पूरी तरह से आंवले की पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। हर बार तो नेचुरल की आंवला नहीं मिल पाता है ताज़ा, तो इसको है ना आयुर्वेद की कुछ कंपनीज हैं, सभी कंपनी काफ़ी तौर पर इसको बनाती हैं। ताज़ा आंवले के चूर्ण के अंदर आंवले का स्वरस को डाला जाता है, और आंवले को स्वरस को डाल करके फिर इसको कुछ समय के लिए जब ये शुष्क हो जाता है तो पुनः इसका चूर्ण बनाया जाता है, फिर पुनः आंवले के रस की भावना डाली जाती है। इस तरह से कई बार 3 बार, कई बार 7 बार इस तरह की जो भावना दी जाती है, इससे आंवले की रसायन की प्रक्रिया तैयार होती है। तो इसमें आंवले के जो गुणधर्म है इसकी पोटेंसी में वृद्धि हो जाती है, 2 गुनी 4 गुनी वृद्धि हो जाती है, तो आंवले की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये अमल की रसायन उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम आ रही है, या हेयर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डाउन है, तो ऐसे लोगों को अपने बालों की जो तकलीफ है, जिसमें खालित्य यानी कि बालों का हेयर फॉल होना, और पालित्य यानी कि बालों का पक जाना यानी कि बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं समय से पूर्व, तो उन लोगों के लिए भी इसका प्रयोग रसायन के रूप में, जैसा भी शुरुआत में बताया था कि एंटी एजिंग व्यवस्थापक के रूप में काम करता है, तो त्वचा के यानी जो झुर्रियाँ हैं, जो त्वचा का ढीलापन है, उसमें भी अमल की रसायन काम करता है। तो त्वचा और बालों के लिए अमल की रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चूँकि आंवला खट्टा है तो दूध के साथ प्रयोग करने में बचना चाहिए, यदि दूध के साथ प्रयोग करते हैं नो डाउट बहुत पौष्टिक होगा, लेकिन थोड़ा गैप रखें कम से कम आधे घंटे का। इस यदि पौष्टिकता के दृष्टिकोण से जो दौर्बल्यता है उसको दूर करना है तो आमल की रसायन 3 से 5 ग्राम लें, शहद में मिला करके चाट लें, और लगभग 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे बाद दूध का सेवन करें, तो ये 3 चीज़ों में फ़ायदा कर जाएगा, हेयर प्रॉब्लम्स में भी फ़ायदा करेगा पहला, दूसरा त्वचा की स्थिति यानी कि त्वचा में कई बार इसकी आवश्यकता होती है विटामिन सी की, जिसकी वजह से झुर्रियाँ आती हैं और ढीलापन आता है त्वचा में, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, त्वचा के जो स्किन है उसके ग्लो में भी फ़ायदा करेगा, और जो न्यूट्रिशन लेवल है स्किन का और पूरी बॉडी का उसमें फ़ायदा करेगा। तीसरा है दौर्बल्यता, यानी कि कुछ बच्चे जो बड़े दुबले पतले हैं, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, या बड़े भी हैं जिनका कि है ना वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनके लिए एक बहुत छोटा सा नुस्खा ही है कि अमल के रसायन और उसमें थोड़ा शहद मिलाया, शहद मिला करके उसको दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें दूध थोड़ा सा गैप के बाद ही लेना, आधा पौन घंटे का गैप रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो पानी के साथ में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आंवले का प्रयोग बहुत अलग अलग डिजीज़ में किया जा सकता है। कई बार हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं तो उनमें एक फैक्टर होता है कि शरीर के अंदर उष्णता अधिक बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक हालांकि बीपी के, हाई बीपी के और भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उस कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, उनका खान पान का मिस्टेक होना, मानसिक चिंता, तनाव, इंसोमिनिया यानी कि नींद नहीं आना, तो बहुत सारे हाई बीपी के फैक्टर हैं। उनके अंदर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो शरीर की प्रकृति है वो बहुत गर्म हो गई है, उष्णता वाली है, तो इस एक फैक्टर पे काम करेगा आंवला पहला, कि उसकी उष्णता को डाउन करेगा, तो कहीं है ना इस रूप में सहायक होगा, पूरा ट्रीटमेंट के तौर पे कह देना तो उचित नहीं होगा। और दूसरा, चूंकि अभी शुरुआत में बताया था कि ये प्यूरिफिकेशन करता है, किसका, शरीर के अंदर जो मल है उनको विसर्जन करता है, उनको निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है, तो इस प्रक्रिया के अंदर शरीर में जो चिकनाई का पाचन करता है, तो इस बात की साम्यता किस बात से है कि कोलेस्ट्रॉल में जो खराब चिकनाई है जिसको LDL कहा जाता है उसको कम करेगा,
और उसको कम करने से शरीर के अंदर जो खून की मात्रा, खून की जो स्थिति है वो कैसी है, ज़्यादा चिकनाई युक्त हो गई है, तो खून को पतला करने का काम भी करेगा। तो दो तीन सिम्टोमेटिक चीज़ पर आंवले का प्रयोग हाई बीपी में भी उपयोगी होगा। एक जो कि आम बीमारी हो गई डायबिटीज़, यानी कि मधुमेह, मधुमेह में भी आंवले का बहुत अच्छा सा प्रयोग है, कि क्योंकि इसमें तिक्त कषाय रस की प्रधानता है, इसमें टोटल तो 5 रस हैं, 6 रसों के अंदर 5 रस आंवले में पाए जाते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अच्छा। तो लवण रस इसमें नहीं है और बल्कि 5 रस हैं, तो मधुर रस की अनुभूति हम ऐसे कर सकते हैं कि जब आंवला खाएंगे, आपने देखा भी होगा आंवला खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो देखोगे कि है ना थोड़ा सा मीठापन महसूस होता है, तो वहाँ मधुर रस हम इसका ज्ञान हमारे टेस्ट बड्स को हो जाता है, तो 5 रस इसमें पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो मधुमेह है इसके अंदर कषाय रस जो होता है, कटु तिक्त कषाय रस, इसकी बड़ी यूज है, क्योंकि डायबिटीज़ में शर्करा का लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब जो विपरीत रस हैं वो डायबिटीज़ के अंदर फायदा करते हैं, और जो मधुर के जो विपरीत रस हैं वो हैं कटु तिक्त तीखा कषाय, एस्ट्रिंगेंट कहते हैं जिसको। तो आंवले का प्रयोग इसमें भी बहुत उपयोगी है, और ख़ासकर उन पेशेंट में उपयोगी है जहाँ पर मधुमेह के वो रोगी जो कि काफ़ी ओबेसिटी से पीड़ित हैं, स्थौल्यता है जहाँ पर, तो ये अपने शोधन की वजह से उनके स्थौल्यता को, मोटापा जिनको ज्यादा हो गया, बिल्कुल ओवरवेट ज्यादा है, तो ओवरवेट का जो बड़ा कारण है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, उनका खान पान है, उनका आलस्य है, तो उनमें हल्कापन लाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेटाबॉलिक रेट को ठीक करेगा। तो आंवले के इस तरह से बहुत सारे गुण हैं, और अलग अलग अन्य कई डिजीज में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए। एक सबसे यदि देखने में बात है कि लगता है आंवला सभी को यूज कर लेते हैं लोग, तो कहीं कहीं है ना इसके नुकसान भी होते हैं, साल साल भर कर लेते हैं, बिल्कुल। तो कहाँ पर नहीं करना चाहिए इसमें, ये देखने की बात है। अब इसको यूँ समझा जाए कि आंवला एक ठंडा होता है प्रकृति से, बहुत सारे गुण हैं इसके, तो यदि हम उष्णता और शीतलता और की दृष्टिकोण से देखें तो ये शीतलता वाला होता है, तो ठंडा होता है आंवला, तो उन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए जिनको बार बार जुकाम होता है। लेकिन कई बार जुकाम विटामिन सी की कमी से होता है, वहाँ तो ये फ़ायदा करेगा, लेकिन कई बार जहाँ ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से, ठंडे मौसम में रहने से, एसी में रहने से, या शीतकाल के अंदर कई बार जब जुकाम हो जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आंवले का प्रयोग करेंगे तो शायद जुकाम और बढ़ जाएगी। तो ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे रोगी हैं, ऐसे जो टीवी के दर्शक हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि आंवले का प्रयोग ऐसे व्यक्ति में नहीं करें जब आपको ठंड की वजह से यदि जुकाम हो रही है और बहुत बार बार छींक आ रही है, तो लगातार जब छींक आ रही है तब भी आंवला उतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो उस समय भी वो फ़ायदा नहीं करेगा। तीसरा है कि जिनको गले में कफ रहता है, खांसी होती है और सांस की तकलीफ है, तो आंवला ठंडा होता है। खांसी और सांस के जो पेशेंट हैं, अस्थमा के जो पेशेंट हैं, उनको आंवला निश्चित तौर पर नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। चाहे आंवले को रसायन बताया गया है लेकिन इस रेफरेंस के अंदर उसके गुण नहीं है, यहाँ पर वो तकलीफ देगा। तीसरा बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं जिनको लो बीपी रहता है या जिनका हीमोग्लोबिन लेवल लो है, तो इस बात को ध्यान रखें, मैंने भी एक बात कही है पहले, तो इसको यूँ समझें कि जिनका बीपी लो रहता है तो उनको यदि ये दिया जाएगा तो ये ठंडे होने की वजह से उनके बीपी लो को और भी ज़्यादा लो कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आंवले का प्रयोग उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा। और रही बात उसकी कि आंवले में आयरन तो होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो मैंने संबंध अभी बोल दिया है कि हीमोग्लोबिन जिनका लो है वो नहीं लें, वो इस दृष्टिकोण से बोला है कि कई जो दुबले पतले लोग हैं या जिनकी प्रकृति आंवले के अनुसार इस तरह से कि थोड़ा आंवला लेने पे उनको दस्त हो जाता है, कई बार देखने में आता है कि हाँ, इसको यूँ समझा जाए कि थोड़ी मात्रा में लेने पर तो ये रसायन का काम करता है यानी पोषण देता है, और अधिक मात्रा यानी कि 5 ग्राम किसी के लिए हो सकती है ज़्यादा, किसी के लिए हो सकता है 3 ग्राम भी ज़्यादा हो, तो कहीं कई बार ये देखने में आया है कि आंवले से कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि बार बार ऐसी परिस्थिति आती है और आंवला इस रूप में खाया जा रहा है कि हमें बहुत फ़ायदा हो लेकिन बार बार दस्त हो रहे हैं, तो बहुत आवश्यक सॉल्ट्स हैं जो कि आयरन है, कैल्शियम है, ये दस्त के साथ में इनकी कमी होने लग जाती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर ये इस तरह की दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ पर इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। इसी तरह जहाँ पर शरीर का तापमान पहले से ही कम हो रहा है, हाथ पैरों में ठंडापन होता है, तो वहाँ पर भी आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है कि जहाँ पर स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर जो बहुत है ना बैड स्मेल आती है, वहाँ पर है ना आंवले का नियमित प्रयोग करने से
पसीने जो बदबूदार है उससे निजात मिल जाती है, पसीना साफ होने लग जाता है, निर्मल होने लग जाता है। और इसी तरह दूसरा एक और एक फायदा है कि जो पेशाब है उसमें जो जलन है उसके अंदर जो पीलापन है, आंवले का निरंतर प्रयोग करना और पानी की मात्रा उचित रूप में लेने से उसमें भी है ना बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तीसरा, जहाँ पे हमारे त्वचा पे कई बार है ना काले निशान होते हैं, खासकर गर्दन पे होते हैं, साइड्स में यानी कि कान ये एक्सिलरी एरिया यहाँ पर होते हैं, तो ऐसी जगह पे आंवले का जो हमने स्वरस का प्रयोग किया है उसके साथ में जो इसका फाइबर है उसको थोड़ा सा रब कर लें गर्दन के पास या जहाँ पे आपको लगता है पसीना ज़्यादा आता है उस शरीर के उन स्थानों पर थोड़ा रब करेंगे तो ये एक तरह से क्लीनिंग कर देता है, दुर्गंध को हटाता है, त्वचा को मलिनता है उसको दूर करता है। तो इस तरह से आंवले का कई रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने आंवले के इतने सारे प्रयोग बताए जो कि प्राय आम जनता को पता नहीं होते, तो आप सबको मैं बता दूं ये आंवले की सावधानियां भी आपको बताई, लाभ भी बताए और आंवले का कब कब प्रयोग करना चाहिए, कौन सी ऋतु में अनुकूल है, कौन से खाद्य पदार्थों के साथ अथवा और कौन से रोगियों को वर्जित भी है, किस प्रकार से कफ के प्रधानता वाले लोगों को आंवले का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि उनका कफ बढ़ जाता है, क्योंकि वात पित्त कफ आयुर्वेद में तीन प्रकार के संतुलन माने जाते हैं, इनके बढ़ने और इनके घटने के कारण से व्यक्ति बीमार होने लगता है। तो मैं मतलब वैसे तो वैद्य जी को मैं आंवले पर ही प्रयोग पर बात करें तो हम कई घंटे कई दिनों तक बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे कार्यक्रम में हम और भी दर्शकों के अन्य अन्य सवालों के आधार पर भी कुछ बिंदुओं पर और चर्चा कर रहे हैं तो ये एक कई सारे दर्शकों का वैद्य जी शंका आई कि हमारे को थायराइड है लेकिन हमें ये पता नहीं कि थायराइड में कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, मुझे भ्रम ये हो रहा है कि उस डॉक्टर ने तो ये बोला था और ये नहीं खाना और इस डॉक्टर ने ये बोला था और किसी योग शिक्षक को हमने सुन लिया कि वो सिंघाड़े के आटा का सेवन करना चाहिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड का आकार भी सिंघाड़े के बराबर का होता है, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल करके इस कार्यक्रम में आप बताइएगा कि थायराइड के बारे में आयुर्वेद और आयुर्वेद के विद्वानों का मत क्या है और कैसा सरल शब्दों में हम थायराइड के आहार को समझ सकते हैं। देखिए पहले थायराइड के रोगी इतने देखने को नहीं आते थे जितने कि अब आ रहे हैं, तो इसमें इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि एक तो आधुनिक काल के अंदर जो मॉडर्न टाइम है इसमें कुछ रीजंस ऐसे बढ़ गए हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे देखा जाए तो खान पान एक बड़ा फैक्टर है, वो इसमें बढ़ाने में बड़ा रीज़न के रूप में सामने आया है। तो खान पान के दृष्टिकोण से यदि बात करते हैं तो आहार जो इस तरह से बिगड़ा है, ठीक है एक है ना क्या कि बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी है तो फास्ट फूड ईजाद हुआ है, लेकिन उस कारण से था कि एक कभी कभार बहुत जल्दबाजी है आपको क्या खाना है तो ये इस तरह से ईजाद हुआ, लेकिन इसको पूरी तरह से जीवन शैली में समाहित कर लिया गया तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपका प्रश्न है कि थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जो हमारा डाइट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि इसमें जो थायराइड है हार्मोनिकल डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है और हार्मोनिकल डिसऑर्डर है इसका बड़े रीजंस हो सकते हैं, जैसे ये इस डिपेंड करते हैं हमारे खाने के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हमारी जो जीवन शैली है उस पर भी डिपेंड करते हैं और हमारी जो इन कारणों से जो मेटाबॉलिज्म रेट जो गड़बड़ा जाती है वो भी एक बड़ा कारण है। तो यदि हम खाने की बात करते हैं तो सीधी बात है जो फास्ट फूड हैं जो कि है ना जिनमें न्यूट्रिशन लेवल भी कम है और पाचन संस्थान पर उनका बुरा असर पड़ता है तो उनको अवॉइड करना है। जितना भी ये पैकिंग फूड है, पैकिंग फूड के अंदर भी ये है कि एक लंबे उनको प्रोसेस करके रखा जाता है पहला तो ये, दूसरा एक लंबे समय तक उनमें जो रखे रहते हैं पैकिंग जो मटेरियल्स हैं उन पर जो सोडियम बेंजाइन वगैरह जो डाला जाता है संरक्षक तत्व डाला जाता है ये जाकर के शरीर वो खाद्य पदार्थ को तो संरक्षण देता है लेकिन इंटेक तो बॉडी में भी होता है और उसका सोडियम बेंजोएट एसिडिक एसिड वगैरह बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल, तो इनका बुरा असर पाचन संस्थान पे आता है और चूंकि इनको इतना स्वादिष्ट बनाते हैं तो जो हमारी पीढ़ी है और जो लोग इसके उपभोक्ता हैं वो इसको बड़े स्वाद से खाते हैं। कभी कभार खा लिए उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव शायद नहीं होगा लेकिन लगातार इसको खाने से पैकिंग फूड मटेरियल फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा सेवन करना लगातार प्रोसेस्ड फूड आ गया सारा, तो इस तरह के जो भोजन हैं इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैदा से बने हुए पदार्थ हैं, मैदा से बने हुए जो फूड आइटम्स हैं लगातार लंबे समय तक तली हुई चीज़ें खाना और रात को दही का प्रयोग करना और लगातार बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना, एग का प्रयोग करना, फिश बहुत ज़्यादा यूज़ करना तो ज़्यादा नॉनवेज वगैरह, और यदि आपका पाचन संस्था इन सभी चीज़ों को खाने से असर क्या होता है कि पाचन संस्थान दुर्बल होने लग जाता है, वो पच नहीं पाती हैं चीज़ें और जब वो नहीं पच पाती हैं तो क्या होता है मेटाबॉलिक रेट पर कहीं ना कहीं असर आता है
और मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाती है, धीमे पड़ जाती है, तो इसका दुष्प्रभाव हमारे पाचन संस्थान पर आने के बाद में डिसऑर्डर थायराइड के रूप में भी आता है। इसके अंदर एक फैक्टर इसके अलावा दूसरा भी रहता है कि इंसोमिनिया, अनिद्रा, बहुत लंबे समय तक यदि व्यक्ति की है ना जीवन शैली गड़बड़ा जाती है और मानसिक चिंता और तनाव ज़्यादा रखता है, तो नींद नहीं आना, इस तरह से बहुत सारे सिम्टम होते हैं। आपने कहा था कि अभी सिंघाड़े के लिए कि सिंघाड़े की रूप साम्यता के आधार पर कहा किसी ने कि इसमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उनमें ये शायद है ना लाभ दे सकता है जहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म है, जहाँ पे वजन घटने लग जाता है, क्योंकि सिंघाड़े के अंदर क्या प्रोटीन ज़्यादा होता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, शरीर का पोषण करता है, और जहाँ पे ये फैक्टर कहीं आ रहा है कि शरीर को पोषणता की न्यूनता है और उसकी पूर्ति करनी है, वहां पर सिंघाड़ा फायदे कर सकता है, लेकिन जहां पर थायराइड की मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है, जहां पर स्थूलता आ रही है, शरीर का वजन बढ़ रहा है, वहां पे मैं नहीं समझता कि सिंघाड़े से कोई फायदा होगा। तो इसके अलावा हमको यही ध्यान रखना है कि जो ऋतु अनुकूल चीजें हैं उनका यूज करना है, और जो आराम से पच जाए चीजें, आसानी से पचने वाली चीजें जैसे मूंग की दाल है, खिचड़ी है, हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरई, टिंडा जो कि सीजन के अंदर आती हैं उनका प्रयोग किया जाए, गेहूं, बदलता हुआ अनाज लें, जौ, बाजरा, इनका प्रयोग किया जाए, जिससे अलग अलग टाइप का जो अनाज है तो पोषण की भी पूर्ति होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाचन संस्थान आपका अच्छा सा रहेगा। और हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसे वक्त में व्यायाम का बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है कि रोजाना थोड़ा सा वॉकिंग पे जाएं, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, तेजी से घूमें, यदि जिनका बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है यानी कि दुर्बल्यता नहीं है, जिसको दुर्बल्यता का मतलब ये स्थूलता और दुर्बल्यता नहीं यानी कि जनरल वीकनेस नहीं है, मेरा आशय उनसे, तो वो जॉगिंग पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ योग जो कि हेमंत जी आपको समय समय पर बताते हैं उनका भी निर्देशानुसार उपयोग करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह कि रात को जो नींद है वो आपकी समय पे हो, यदि रात को जगने का है ना बहुत देर तक नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक सामान्य से चीज़ें हैं जिनमें थायराइड का अंदर हमको ये ध्यान रखना चाहिए जिनसे हम इसका बचाव कर सकें थायराइड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। थायराइड पर हम सबको प्रकाश डालने के लिए आहार विहार, इसमें क्या फ्रिज के पदार्थों से भी परहेज करना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? फ्रिज के पदार्थों से जो परहेज है वो इस पर डिपेंड है कि जो ठंडी चीजें हैं उनको भोजन उनको हमारा जो शरीर है वो उतना तेजी से नहीं पचा पाता है। आपने ये नोट किया होगा कि सामान्य तापमान की चीजें शरीर जल्दी पचाएगा उसको। एक ये देखें कि जो आपने देखा होगा जब बुखार आता है, टाइफाइड के पेशेंट हैं या बुखार आता है, तो उसको औषध सिद्ध करके जल दिया जाता है, यानी कि लौंग उबाल करके देते हैं, तुलसी उबाल करके देते हैं, और गिलोय को उबाल करके उसका पानी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जिससे पानी के पचने का भी अलग अलग वो समय बताया गया है। सामान्य तौर पे जनरल जो पानी है वो खुद भी आसानी से पचता है और भोजन को भी पचाता है, गुनगुना पानी और तेजी से ना भोजन को पचाने में सहायक होता है, और औषध सिद्ध जो पानी होता है वो और भी ज्यादा रोगों को भी दूर करता है, और साथ में दूसरे तौर पे मेटाबॉलिक रेट को भी सही करता है। ठंडा पानी या ठंडे पदार्थ पचने में थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है गर्मी का टाइम है तो ठंडा पानी कभी यूज कर लिया, लेकिन एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, आदत पड़ जाती है, वहां पर ये दिक्कत आती है और स्थूलता लाती है, सबसे बड़ी बात ये मोटापा लाने में सहायक है। तो फ्रिज और फ्रिज में रखे हुए जो पदार्थ हैं वो निश्चित तौर पे खाने के अंदर जो पाचन संस्थान है उनको डिले करते हैं, उनके कार्य शैली मेटाबॉलिक रेट को डाउन करते हैं, धीमा करते हैं, बिल्कुल धीमा करते हैं। तो ये एक तरह से ना क्या है कि वजन बढ़ने का पूरा खतरा रहता है, और जब वजन बढ़ने का खतरा रहेगा तो थायराइड पर असर आने के चांस बहुत रहेंगे। तो वैद्य जी, इसमें अपन ऐसा भी जान सकते हैं कि ऐसा कोई औषध प्रयोग वाला कोई पानी हो अपन सुबह तैयार कर देवें अथवा रात को भिगो देवें? इसमें बहुत सारे लोगों ने धनिए के पानी के बारे में बहुत बताया, और भारत में बहुत सारे लोग अब तो सामान्य घरों में भी लोग प्रयोग करने लगे हैं। रात्रि को धनिया साबुत भिगो करके रख दिया, सुबह उसके पानी को पी लिया, अथवा आयुर्वेद में कोई ऐसे सामान्य से प्रयोग हों जो घर में किए जा सकें, घरेलू चीजों को डाल करके सुबह पानी तैयार किया जाए, सारा दिन थायराइड वाले वही पानी पिए या आधा दिन पिए या कुछ घंटों तक उसी पानी को सिप सिप करके पिए, कुछ ऐसा यदि प्रयोग हो तो अपन कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति की प्रकृति क्या है और कौन सा मौसम है। जैसे धनिया है, धनिया का जो पानी है वो मूल रूप से पित्त शामक रहेगा, यानी कि शरीर के अंदर जितना भी अग्नि तत्व की अधिकता हो जाती है उसमें ना धनिया का प्रयोग
बहुत फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतुलन ला के रखेगा वात पित्त कफ दोषों की साम्यता में धनिया का पानी। तो इस दृष्टिकोण से धनिया का पानी उपयोगी है। लेकिन यदि पर्टिकुलर थायराइड की यदि बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे पंचकोल, पंचकोल का जो चूर्ण है और पंचकोल में जो घटक है चव्य चित्रक और त्रिकटु, सौंठ छोटी पीपल और काली मिर्च, यानी कि ये पांचों क्या है, उष्ण है। और पांचों द्रव्य जो इसके उष्ण है, इसके लिए इसकी मात्रा भी उसी में बताइए। कोल, कोल जो है भारतीय जो मानक है प्राचीन, उनके अंदर इसकी एक मात्रा बताइए, यानी काफी कम मात्रा है उसकी, लगभग लगभग 1 ग्राम या 2 ग्राम के आसपास की मात्रा यदि समझा जाए तो। तो इसके पांचों जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य को ले सकते हैं, या पंचकोल चूर्ण, पांचों द्रव्य चव्य चित्रक, सुंठी यानी सौंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, है ना। और तो इन पांचों द्रव्यों में से हम किसी एक पर्टिकुलर द्रव्य को उबाल करके काम में ले सकते हैं पूरे दिन भर, या पंचकोल चूर्ण जो कि बाजार में मिलता है और सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उबाल करके पानी के रूप में भी किया जा सकता है। और चूंकि ये ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पांचों ही उष्ण होते हैं, तो इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी कम लेनी चाहिए। और पानी भी गर्मी के दिन की यदि बात आती है, तो इसका पानी है ना गर्मी के दिनों में तो नहीं लिया जाए, वहां पर धनिया का पानी है ना उचित रहेगा। और अभी जो कहा जा रहा था वो यही कहा गया कि मौसम को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, रोगी की प्रकृति को देखना इम्पोर्टेंट है, रोग की उग्रता कितनी है उसको देखना इम्पोर्टेंट है। तो यानी कई सारे फैक्टर ये ध्यान में रखने पड़ते हैं कि हम किस चीज़ का प्रयोग करें। तो पंचकोल अब वर्षा ऋतु के अंदर बहुत फ़ायदा करेगा, और जो ठंड का मौसम आने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसको हम पानी में बॉईल करके भी ले सकते हैं। कच्ची हल्दी आएगी, कच्ची हल्दी अभी सर्दी में आती है, उसका प्रयोग भी है ना पानी में उबाल करके कर सकते हैं। अदरक है, जैसे पंचकोल मान लीजिए प्रयोग कर रहा है कोई व्यक्ति, हाइपर थायराइड है या हाइपो है, दोनों ही कर सकते हैं? नहीं, इसमें हाइपर थायराइड वाला करेगा जिसको स्थूलता है, स्थूलता में है, फायदा करेगा। हाँ, जिसका थायरोक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है, हाँ, कम सीक्रेट हो रहा है, हाँ, थायरोक्सिन कम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो व्यक्ति कितना पंचकोल डाले पानी में? जैसे अभी के मौसम की बात करें तो उसको 2 टाइम ही लेना चाहिए, पूरे दिन भर के अंदर इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु में देखा गया है कि कई बार दिन में उमस हो जाती है और गर्मी हो जाती है। तो पूरे दिन भर यदि कोई भी रोगी या कोई व्यक्ति इसको यूज करेगा, तो हो सकता है कि उसको थोड़ी बेचैनी हो, घबराहट हो, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम देखें तो 2 टाइम लेना ज़्यादा उचित रहेगा। और 200 ml पानी लें, लगभग 4 या 5 ग्राम पंचकोल, 3 से 5 ग्राम पंचकोल का पाउडर लें, इतना बॉईल करें कि लगभग आधा रह जाए, यानी 100 ml रह जाए, और इसको टुकड़ों में लें, 100 ml को 30-30 ml के टुकड़े में 3 बार लें। जी जी ठीक है वैद्य जी। अभी थायराइड में तो मैं समझता हूँ लोगों को बहुत सारा इसमें प्रकाश हो गया होगा, अब काफी सारा ज्ञान हो गया होगा। हमारे लाइव दर्शकों में कालू राम जी और ऋतु जी, राकेश जी, आप सभी लोग जुड़े हुए, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। थायराइड के बारे में हमने अभी आहार विहार के बारे में चर्चा की। एक बहुत महत्वपूर्ण, कुछ दर्शकों के भी मेरे पास पिछले कई सालों से भी सवाल आ रहे हैं, और मैंने भी इस संबंध में एक नशा मुक्ति अमृत नाम से एक अदरक से बना रखी थी चीज। तो आज के इस कार्यक्रम में हम ये भी जान लेते हैं कि गुटके खाने के नुकसान क्या होते हैं, जिसमें गुटखा होता है, कुछ लोग जर्दे का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग तंबाकू सीधा सीधा ले लेते हैं चूने के साथ अथवा किसी में, और कुछ लोग गुटके तंबाकू वाला पानी बनवा लेते हैं। तो ये खाया जाए तो इसका नुकसान क्या है, ये थोड़ा सा आप हमारे बताएं। देखिए, ये जो शुरुआत होती है मुख शुद्धि के तौर पर है ना किया जाता है किसी चीज का प्रयोग। तो जैसे आप ये देखें कि ट्रेडिशनल तौर पर सौंफ का यूज बहुत किया जाता है मुख शुद्धि के लिए, और तांबूल यानी पान का प्रयोग भी किया जाता है। तो जब कोई माउथ कैविटी में बहुत कफ हो जाता है, चिकनाई हो जाती है खाना खाने के बाद, सौंफ को हम परंपरागत रूप में यूज़ करते हैं। कई लोग सुपारी खाते हैं, सुपारी के कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, इस वजह से भी सुपारी खाई जाती है। और तांबूल पान के भी कुछ औषधीय गुण होते हैं, और मुंह साफ करने के लिए भी पान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शने शने अभी मॉडर्न टाइम के अंदर धीरे धीरे कुछ चीज़ें इस तरह की आई कि जिसमें तंबाकू का यूज़ हुआ, हालांकि तंबाकू का प्रयोग बहुत पहले से भी किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से, सीधा प्रश्न की बात है कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसकी बात करते हैं। तंबाकू के अंदर निकोटिन एसिड होता है, और निकोटिन जो एसिड होता है, इसका जो दुष्प्रभाव है वो छोटी तकलीफ यानी कि अजीर्ण, यानी कि भोजन नहीं पचने से लेकर के कैंसर तक है, यानी छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी तक का इसका दुष्प्रभाव होता है।
अब हमको ये देखना है कि ये शुरुआत कैसे होती है। जब भी कोई व्यक्ति इस इम्पोर्टेंट बात है कि कोई सी भी चीज़ ऐसी खाता है तो बॉडी उसको नकार देती है, पहले इस बात को समझ लें कि कब फर्स्ट बार किसी ने गुटखा खाएगा कोई व्यक्ति तो उसको चक्कर आएंगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पहली बात तो यही हमको सावधानी दे रहा है शरीर ऑलरेडी, लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। पहली बार कोई बीड़ी या सिगरेट पी रहा है तो उसको खांसी आएगी और उल्टी की इच्छा होगी, और इसी तरह से जब निकोटिन बॉडी में जा रहा है, चाहे वो तंबाकू के रूप में जा रहा है, स्मोकिंग के तौर पे भी जाता है टबाको, और गुटखे के रूप में भी जा रहा है, तो बॉडी अलग अलग। तो शरीर उसके धीरे धीरे अनुकूल बन जाता है। यदि हम है ना जितने भी प्राकृतिक तौर पे उसको शरीर अवॉइड कर रहा था और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमने बार बार उसकी प्रैक्टिस की और बार बार प्रैक्टिस करके और थोड़ा थोड़ा उसका यूज़ किया, तो शरीर ने उसका अनुकूलन बना लिया और शरीर उसके अनुकूल होने लग गया, यानी कि जो परेशानियाँ थी वो अब नहीं हो रही हैं, इस बात को यूँ समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि लार का सीक्रेशन बढ़ता है, जो गुटखा खाने वाले हैं उनमें लार का सीक्रेशन बढ़ जाता है गुटखा नहीं खाने वालों की तुलना में। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनको बार बार थूकना पड़ता है, और बार बार देखा होगा गुटखा खाने वाले बहुत बार थूकते हैं। तो लार के अंदर यदि देखा जाए तो टाइलिन नामक तत्व होता है जो कि हमारे भोजन के अंदर अन्न के पाचन में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इनका जितना सीक्रेशन एक तो बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में जो लार ज़्यादा बनती है उसको ये थूकते रहते हैं, थूकने से जो भोजन का पाचन है उसका जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ है वो ख़त्म हो गई, वो उनको नहीं मिल पाती है, उससे वो वंचित हो जाते हैं, और इस कारण से उनके पाचन के अंदर सबसे बड़ा समस्या शुरुआती दौर में आती है। इस कारण से उनको अजीर्ण होने लग जाता है, यानी कि उनका भोजन को भूख नहीं लगती है, पहले का भोजन पच नहीं पाता है, पाचक तत्व उसके है नहीं, पहला कारण ये हो जाता है। दूसरा अग्निमानदेह, यानी कि उनको भूख कम लगती है, अग्निमानदेह को सीधी साधारण भाषा में समझें तो उनको भूख कम लगने लग जाती है। और जो लार इतनी निकली है तो माउथ के अंदर जो सीक्रेशन है, जो ल्यूब्रिकेशन है, जो निगलने में जरूरी है, जो बोलने में जरूरी है, जिसके लिए है ना वो सहायक होता है निगलने के अंदर। यदि बहुत देर तक आप बोलते हैं तो माउथ कैविटी में एक जो रस होना चाहिए, कफ होना चाहिए, वो ड्राई होने लग जाता है। तो कफ और जो रस है वो लार के रूप में गुटखा खाने वाले का वो बाहर सड़क पर थूकता है, तो उसको बोलने करने में भी बाद में धीरे धीरे दुष्प्रभाव जो आते हैं, बोलने में दिक्कत आती है। और एक लुब्रिकेशन कम होने की वजह से जो जबड़े की जो संचालन है, जो माउथ कैविटी में जो जबड़े का संचालन कैंची की तरह होता है, ये इस तरह से कैंची की तरह संचालन होता है, तो वहाँ पे जो लुब्रिकेशन होता है वो कम हो गया, तो वो जो लुब्रिकेशन की कमी हुई, धीरे धीरे वो कैंची कैसी हो गई, वो डाउन हो गई, अब मुँह इतना सही खुल रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है मुँह के खुलने में इस तरह से पड़ता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लार बनती है और उसको थूका जाता है, तो जो ग्लैंड्स हैं आपकी, वो ग्लैंड्स जो सीक्रेशन कम करने देती हैं और मुंह ड्राई होने लग जाता है, छाले भी होते हैं, मुंह में बैड स्मेल आती है, मसूड़े ख़राब होने लग जाते हैं, पायरिया होता है, और एसिड बनने की वजह से पेप्टिक एसिड यानी कि आमाशय में अल्सर हो जाता है, और पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और साथ में माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो श्लैष्मिक कला है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, और इसके साथ में जो कोलेजन फाइबर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उनका बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है और सेल्स हार्ड होने लग जाते हैं, तो फाइबर कोलेजन होने की वजह से यहाँ पर कैंसर की स्थिति धीरे धीरे आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको यूज़ नहीं करें, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज बहुत महंगा होता है, स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ही, उसमें छोटी बीमारी से लेकर के बहुत बड़ी बीमारियां तक होती हैं, छोड़ देना ही इसका सबसे बड़ा रोकथाम का उपाय है और सबसे बचने का सबसे सही उपाय है। ये बात ठीक है कि ये आम लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कंपनी वालों ने भी सरकार के कुछ गाइडलाइन के अनुसार उस पर मुंह के कैंसर वाला पूरा एक बड़ा फोटो लगा रखा है, अब पूरा गुटके का पाउच जो है ना पूरा उसी चित्र से ढका हुआ आता है, उसके बाद भी इतने भले लोग हैं कि उसको खरीदने से पहले उस पर कभी देखते ही नहीं है कि ये क्या हो जाएगा, गुटका यूं लिया और यूं अंदर पता नहीं उसके अंदर क्या, कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं आई कि छिपकली, किसी में कीड़े, किसी में कॉकरोच, किसी में चींटियां और किसी में फंगस लगा हुआ, भगवान जाने क्या क्या उसमें डला हुआ आता है। मतलब आप देखें वैद्य जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 500 रुपए का गुटखा रोज खाते हैं, 125 रुपए का एक पाउच और 5 पाउच खा लेते हैं, 500 से भी ज्यादा का हो गया, 125-600 रुपए का गुटखा वो खाते हैं,
और वो बहुत अच्छा समझते हैं कि मैं फलानी कंपनी का खा रहा हूँ तो ये ज्यादा अच्छा वाला है, गुटखा तो कोई सा भी अच्छा नहीं होगा। आर्थिक तौर पे नुकसान तो पहुंचता ही है और शरीर को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। मेरे हिसाब से तो जितना महंगा होगा उतना ज्यादा नुकसान वाला ही होगा। खैर ये तो कंपनीज की बात है, यहाँ व्यवसायीकरण, हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभाव हाँ आएगा। क्योंकि वो बहुत अच्छा समझ के लोग जो खाते हैं ना, बिल्कुल नुकसान तो उनका होगा ही, स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है। हाँ तो हमको ऐसी आहार में भी बात है और गुटखा वगैरह तो ही कि जो चीजें हमको नुकसान करती हैं हमको बचना चाहिए, क्योंकि बचाव है तो सबसे बड़ी बात है कि हम आर्थिक तौर के हानि से भी बच रहे हैं और स्वास्थ्य तो हमारा सबसे पहले है ही है। तो चाहिए कि ना जो जो चीजें हमें नुकसान करती हैं, अब मैं तो ये कहूंगा कि जो घर पे बैठे हुए आलस्य है, बहुत ज्यादा नींद है, यही नुकसान करती है, उनको भी छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारी हाँ चीजें हैं, वो तो तो ठीक बात है। स्वास्थ्य की जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना बहुत अच्छा है, और जो भी चीजें हैं निष्क्रियता है, आलस्य है, खाने के चीजें में हमारी एजुकेशन है, इन सब पे ध्यान देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, तो कुल मिला के कहने का इतना मतलब है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे वो इस तरह की फिजूल की चीजें तो ना ले, बिल्कुल कम से कम, बल्कि है ना उसी धन का कोई टॉनिक मंगा करके, कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगा करके उनका सेवन करे तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहे। हेल्थ के प्रमोशन के लिए, हेल्थ के प्रोग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि दूसरी चीजें यूज करें जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकर है। एक और प्रश्न है वैद्य जी, डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद बहुत सारे पेशेंट्स का मेरे पास भी आते रहते हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन कार्यक्रम, आज हमारा 98वां एपिसोड है, आप सभी दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि परसों हमारे इस कार्यक्रम को 100 घंटे पूरे हो जाएंगे जो लाइव प्रतिदिन का चल रहा है। साप्ताहिक जो चल रहा था उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो लाइव चल रहा है, इस लाइव को 6 मई से निरंतर हम बिना किसी एक अवकाश के भी चला रहे हैं। इसमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और यज्ञ चिकित्सा, यज्ञपैथी या फिर यज्ञ थेरेपी जिसको हम कहते हैं, इन सभी सभी पर थोड़ा थोड़ा हमने प्रकाश डाला है। सामान्य रूप से लोगों को इसमें जानकारी मिले, वो इन सब चीजों से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इन बातों पर हमने विशेष तो सामान्य से लेकर विशेष चर्चाएं भी की हैं। तो आज हम आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में हैं और इसमें हम जान रहे हैं, अभी हमने जाना एक आंवला के ऊपर बहुत सारा आयुर्वेद का दर्शन है, क्या कहता है, किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हमने जाना, और उसके अलावा थायराइड में कैसा आहार होना चाहिए, कैसा आहार नहीं लेना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। थायराइड की यदि योग की बात करें तो उसमें मैंने 8 से 9 प्रैक्टिसेस आपको बता रखी है। मेरा थायराइड का पूरा कार्यक्रम बना हुआ है स्वामी न्यूज के आपको फेसबुक पेज पर अथवा यूट्यूब के चैनल पर, दोनों में से ही मिल जाएगा और आप उसमें से देख सकते हैं। और अब हम एक और बात पर विशेष चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि कोरोना हमें हो गया था कोरोना के संकट काल में और उसके बाद ठीक भी हो गया, लेकिन शरीर कमजोर हो गया और अभी रिकवर नहीं हो पा रहा, तो शरीर की रिकवरी कैसे करें, तो वो थोड़ा हमें बताएं कि, और है ना वजन भी किसी किसी का घट गया, किसी के मुख का ओज तेज समाप्त सा हो गया, किसी को हीमोग्लोबिन कम हो गया, किसी को एनीमिया हो गया, किसी की हड्डियों में वो जान नहीं रही, शरीर में वो एनर्जी नहीं रही कि वो लंबे समय तक कोई कार्य कर सके, तो कैसे शरीर की रिकवरी करें, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों। देखो जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था और अभी कुछ समय पहले ही लोगों को इससे थोड़ा सा राहत मिली है, तो कोरोना काल के अंदर एक बात देखी थी कि इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, और वो बात भी सही थी कि कोरोना का जो प्रभाव है शरीर पर, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए इम्यूनिटी बहुत अच्छा होना जरूरी है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर यही देखा गया था कि किन जिन चीज़ों से, चाहे वो मेडिसिन है या जो हमारी लाइफ स्टाइल है या जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से हम उससे बच सकते हैं। अब जिन लोगों को कोरोना हुआ तो कोरोना के दौरान किन्हीं को माइल्ड सिम्टम हुए, किन्हीं को सीवियर सिम्टम हुए, तो उनका अलग अलग दुष्प्रभाव हुआ। कोरोना के दौरान ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी मेडिसिंस भी लेनी जरूरी थी जीवन को बचाने के लिए, और उस उन समय जीवन को बचाना ही प्राथमिकता है। तो उसके पश्चात किस किस संस्थान पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ा उसके अकॉर्डिंग हमको है ना ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बात यह है कि किसी व्यक्ति को हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत आती थी और अभी भी आ रही है इन दिनों के अंदर भी, क्योंकि वर्षा का मौसम है और वर्षा के मौसम के अंदर थोड़ा सा कफ भी बढ़ जाता है ठंडक की वजह से, कभी पित्त की अधिकता होती है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों के हिसाब से हमें देखना होगा कि क्या व्यक्ति को तकलीफ है उसके
दृष्टिकोण से हम बता पाएंगे कि क्या चीज यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन संस्थान। श्वसन संस्थान के लिए यदि देखा जाए तो बहुत सिंपल सी चीज है, त्रिकटू, सौंठ, छोटी पीपल और काली मिर्च। यदि अभी भी किसी व्यक्ति को सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है और कफ बढ़ रहा है और कभी उसको है ना खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, क्योंकि कोरोना के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था और उसके बाद में कुछ लक्षण अभी भी यदि उसके शेष हैं, तो त्रिकटू का पाउडर जो कि बना बनाया भी मिलता है और इसको अलग अलग सेपरेट खरीद करके समान मात्रा में सौंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, इसको समान मात्रा में लेकर के इसका पाउडर बनाया जा सकता है। इसके लेने की जो सरल तरीके हैं ये हैं, 2 से 3 ग्राम सफिशियंट है, शहद में मिला करके इसको चाटें। शहद में मिलाने से इसके गुणों की वृद्धि हो जाती है, शहद योगवाही होता है, योगवाही होने से जिस द्रव्य के साथ लिया जा रहा है उस द्रव्य के गुणधर्मों में वृद्धि करता है त्रिकटू। तीनों ही इसमें उष्ण द्रव्य हैं, तीनों ही इसके अंदर कटु द्रव्य हैं, तो ये कफ जो होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर श्वसन संस्थान में जो सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करता है सांस लेने में, उसका शोषण करेगा, कफ को कम करेगा, यानी कि कफ का अवशोषण करने से सांस लेने में बड़ी आसानी होगी। साथ में यदि हमने इसको शहद में मिला करके दिया है और ऊपर से दूध पेशेंट को लेना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे जो विंड पाइप है और लंग्स हैं इनको अच्छा सा बनाएगा। च्यवनप्राश है ना लगातार यूज किया जा सकता है, इसकी मात्रा है 5 ग्राम सुबह और शाम, दोनों टाइम इसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक तौर पर यदि देखा जाए तो चित्रक हरित की अवले यूज किया जाए, जो कि हमारे खांसी, जुकाम और बुखार तीनों के अंदर ही फायदेमंद है। तो चित्रक हरित की अवले ये भी है ना सुबह और शाम दोनों टाइम लिया जा सकता है। हल्दी का भी बहुत अच्छा यूज है, हल्दी है ना क्या है कि एंटी एलर्जिक भी है, बहुत लगातार छींकें आती हैं उनमें भी फायदा करती है और ब्लड प्यूरीफायर भी करती है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन हुई है और जिनको सांस लेने में बार बार दिक्कत आती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी हल्दी अच्छा है। लेकिन याद रखें कि हल्दी का पाउडर बना बनाया ना लें, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में फूड एडल्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा, कोई मिलावट वाली चीज़ मिले। आप है ना साबुत हल्दी लिया है, साबुत हल्दी को दूध में थोड़ा सा छोटा टुकड़ा करके 3 से 5 ग्राम का छोटा टुकड़ा करके बॉईल करके उस रूप में भी ले सकते हैं, तो हल्दी का प्रयोग दूध के साथ लगातार ले सकते हैं। कई बार क्या है कि दिक्कत ही आती है, लोगों ने उस समय बहुत पनीर भी खाया, अच्छी डाइट ली, रिकमेंडेड भी की गई कि भी कोरोना है आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है, लेकिन एक बात की कल्पना करें, किसी पेशेंट को यदि भूखी अच्छी नहीं लग रही थी, कोरोना हुआ था और उसको बहुत अच्छी डाइट दी गई, तो उसका दुष्प्रभाव भी हुआ होगा, उसको अब भूख नहीं लग रही होगी, उसका लीवर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, ऐसी कंडीशंस पेशेंट को देखने में मिली हैं कि उस समय रिकमेंडेड की गई, क्योंकि उस समय रिकमेंडेड इसलिए की गई कि जान बचाना पहली प्राथमिकता है, तो इसलिए ऐसे द्रव्य जो कि शरीर को ताकत दें, दूध है, पनीर है और हैवी डाइट, अच्छी डाइट, ये सब पेशेंट ने ली, उनके कारणों से अभी कई बार देखने में आ रहा है कि उनको कुछ भा नहीं रहा है और लीवर एनलार्जमेंट है, फैटी लीवर है, शरीर की एक्टिवनेस नहीं है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं या ऐसे जो सिम्टम जिन लोगों में आ रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि विटामिन सी उनको ज़्यादा फायदा करेगा ऐसे वक्त में, क्योंकि वो हल्का है, यानी कि आपको नींबू लेना है खाना खाने के बाद में, शिकंजी लेनी है, मौसम, जिन चीज़ों में रस है, जिन चीज़ों में पानी है ऑलरेडी, और ग्लूकोज है यानी कि मौसमी है, संतरा है, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, नाशपति, नाग और नारियल पानी, ऐसी जो चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, इनकी वजह से शरीर का पाचन अच्छा होगा। ये सब चीज़ें लघु आहार है, लघु द्रव्य हैं, इनसे शरीर को पचाने में आसानी रहेगी, तो इनका प्रयोग भी बहुत अच्छे से करें। और जो चीज़ें शरीर में भारीपन लाएं उन चीज़ों को यूज़ नहीं करें, जैसे रात को दही का प्रयोग नहीं करें, तो उससे भी शरीर में स्थूलता आएगी, और शरीर में स्थूलता आएगी तो शरीर तेज़ी के साथ में चीज़ों को नहीं पचा पाएगा। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत सारी चीज़ें वैद्य जी हमारे सभी दर्शकों को बताई, हमारे बहुत सारे जो परिचित हैं उनके कईयों के आए दिन शहर ही नहीं शहर के बाहर के राज्य के बाहर से भी बहुतों के संदेश आते हैं, तो मैं समझता हूँ उन सभी के लाभार्थी ये कार्यक्रम अब वो बाद में सुनेंगे, अभी वर्तमान में भी लाइव बहुत सारे चल रहे हैं, बाद में भी इस कार्यक्रम को हमारे कार्यक्रम को कई कई दिनों तक देखा जाता है, राज्य के बाहर भी, देश के बाहर भी देखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि स्वामी न्यूज़ की इस पहल के साथ, इस योग व स्वास्थ्य की इस यूनिट को हमने शुरू किया और इसके द्वारा योग व आयुर्वेद के ये पूरे
जो दिग्दर्शन है भारतीय संस्कृति का, जो स्वास्थ्य का वेद है, इसके द्वारा आम जन में सरल सरल तकनीकों से कैसे नेचर के पास में रह करके, प्रकृति के पास में रह करके कैसे हम ठीक रहें, कैसे आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, कैसे युक्ताहार विहारस्य के इन सूत्रों को, के इन श्लोकों को, गीता के जो श्लोक है भगवान कृष्ण ने मद भगवत गीता में कहें कि कौन से व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए कैसे आहार का लेना चाहिए। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति, जो कि आयुर्वेद में महर्षि चरक का भी बड़ा सुंदर सा सिद्धांत है कि आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य को यदि हम ठीक रखेंगे तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। त्रय उपस्तंभ, स्वास्थ्य के तीन उपस्तंभ बताए। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सोना और जागना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सही समय पर जाग जाए और सही समय पर व्यक्ति उठ जाए और ठीक ठीक समय पर उत्तम काल की नींद ले रहे रात्रि को 10 बजे से 4 बजे तक की, अधिकतम 5 और भी अधिकतम लिया जाए तो 6 बजे तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति उठ जाए। 8 घंटे तो नींद बहुत होती है। सही बात। तो इस तरह की बातों पर हमने पिछले 98 घंटों से चर्चा की है और ये नेचर के पास रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब तो कोरोना के संकट काल में 1.5 साल में लोगों ने समझ भी लिया कि नेचर कितना बलवान है, समय बलवान है, प्रकृति बलवान है, परमात्मा की इस अद्वितीय व्यवस्था के अतिरिक्त आप इसको ताक में रख करके कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आर्टिफिशियली आप कितने आयरन के कैप्सूल ले लेवे, कितने कैल्शियम के कैप्सूल ले लेवे, लेकिन नेचुरल सोर्स से आपको कम समय में और बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, ये बात निश्चित है। सही बात। वो अलग बात है, आपको अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए, आपकी शरीर की प्रकृति मैच होनी चाहिए, आपकी आयु मैच होनी चाहिए और आपको ठीक ढंग का गाइडेंस अगर समय पर मिल जाए तो इसीलिए तभी जाकर के आपका स्वास्थ्य में उत्तमता गुणवत्ता का सुधार होता है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर धीरज जी उपाध्याय, जो वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हमारे राजस्थान सरकार में कार्यरत भी हैं और सेवाएं दे रहे हैं पिछले कई वर्षों से। अजमेर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, औषधालय है, वहां पर एज ए डॉक्टर आप सेवाएं दे रहे हैं और आप इतना समर्पित भाव से सभी मरीजों को देखते हैं जैसे कोई उनका बहुत निकट का स्वजन हो। तो मैं तो देख ही रहा हूँ पिछले 2000 कई वर्षों से मैं इनसे परिचित हूँ, तो इसीलिए मैं इनकी सरलता से, इनकी विद्वत्ता से भी, इनकी गुणवत्ता से भी और इनके सरल व्यक्तित्व से भी प्रभावित हूँ। वैद्य तो एक अच्छे हैं ही लेकिन अच्छे इंसान भी हैं, इस बात से मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। आप सभी दर्शकों को आपने जो है वैद्य जी ने आयुर्वेद का बड़ा सुंदर सा जानकारी दी जो कि सरल सरल प्रयोगों से घर में, भाई ये निरापद प्रयोग भी थे कुछ कुछ इनमें से, जैसे तो वैद्य जी ने आज निरापद प्रयोग भी बताया थायराइड से और आंवला से संबंधित। ये सारे प्रयोग जो हैं वास्तव में हम सभी लोगों के लिए जो कि स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर, बहुत उपयोगी और बहुत ही अधिक स्वास्थ्यकर होंगे और निश्चित ही ऐसा मानना है हमारा, हमारी आशा भी है कि हमारे इस कार्यक्रम को देख करके, जान करके, प्रतिदिन योग की क्रियाएं, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के नुस्खों को जान करके या फिर अपनी प्रकृति को जान करके, निरापद प्रयोगों को जान करके आप अपने शरीर को और उत्तम स्वास्थ्य में बदल सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ सकते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल ड्रग को भीतर हमारे इनटेक किए हुए ही हम नेचर की शरण में आकर के ठीक कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे वैद्य जी को कि आज का स्वास्थ्य का सूत्र कोई आपकी तरफ भेजा, छोटा सा कोई सूत्र हो कि प्रतिदिन ऐसा तो करना ही चाहिए जिससे कि हम अच्छे रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य के सूत्र में कि डेली वर्कआउट जरूर करें जिससे कि जो हमारा पाचन है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि अभी जो आधुनिक टाइम के अंदर मॉडर्न टाइम में देख रहे हैं कि लोगों का श्रम बहुत कम हो रहा है, यानी कि शारीरिक तौर पर फिट रहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट तो आपका आहार अच्छा हो, दूसरा आपका विहार यानी कि आपका व्यायाम बहुत अच्छा हो, यानी कि आप को डेली कुछ ना कुछ शारीरिक तौर पर योग हो भले या फिर है ना आपका पैदल चलना है या तेज चलना है, जॉगिंग आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन वो बहुत आवश्यक है, उसी से आप थोड़ा सा ठीक रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, अच्छे से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस कर पाएंगे, मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी और आपका आभार और
आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद भी करते हैं कि कल के कार्यक्रम में हमारे साथ फिर से वैची रहेंगे और कल और भी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो कल का कार्यक्रम 99वां कार्यक्रम है और ये अति विशेष रहेगा, 100वां तो विशेष रहेगा ही, सेलिब्रेशन रहेगा। और 99वें कार्यक्रम में हम फिर से आयुर्वेद के कुछ और भी दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं तो उन पर हम थोड़ा सा और विस्तार थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक घंटे का कार्यक्रम हमारा कल रहेगा 6:30 बजे, फिर से हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते, ओम शम।